सो हैलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। सो अज की इस वीडियो दे विच असी गल करांगे फिर प्रॉफिट लॉस ते डिस्काउंट दे रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चन आते हैं कंपीटिशन एग्जाम दे विच। सो अज दे इस लैक्चर पार्ट टू दे विच मैं कुछ दो या तीन टाइप्स तुहानूं फिर डिस्कस करांगा कि जिहड़े किस तरह के जिहड़े प्रॉफिट एंड लॉस लॉस के जिहड़े क्वेश्चन आ वह होर कि तरह के आ सकते हैं। सो पिछले लैक्चर के मैं दो क्वेश्चन जोड़े आसाइनमेंट के दिते सी ते मैं कहा सी कि मैं इदा के जोड़े क्वेश्चन आदि बारे मैं अपनी अगली वीडियो के डिस्कशन कराँगा। सो आओ ये वाले क्वेश्चन जोड़े आना आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो नाले तुम ट्रिक्स दसते हैं कि इदा के जोड़े जोड़े क्वेश्चन आ उन्होंने जो कंपीटिशन एग्जाम के घट टाइम के सॉल्व करना हो तो कि सॉल्व कर सकते हो। सो फस्ट क्वेश्चन इज ए मैन परचेज्ड 11 ओरेंजेस इन 10 रुपीज एंड सैल 10 ओरेंजेस इन 11 रुपीज। हुण उह की कह रहा है कि एक आदमी ने जिहड़े आ उह 11 संतरे जिहड़े आ उह 10 रुपए दे विच खरीदे ते मुड़ के जिहड़े आ उह 10 संतरे उहने 11 रुपीज दे विच वेच दित्ते। फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन। हुण कई बारी की आ बच्चे जिहड़े स्टेटमेंट पढ़ के ही उह कन्फ्यूज़ हो जांदे आ 10 11 11 10 दे विच जिहड़ी आ उह काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है ते बच्चे जिहड़े आ इन्हां चीज़ां नूं कई बार अंडरसटैंड नहीं कर पाते कि आप इन्हों किस तरह करना है। सो इन्हों आप जोड़े सॉल्व कर दो या तीन तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सो सब तो पहले अभी गल करा यूनिटरी मैथड या जो ट्रडिशनल मैथड आ जिन्हों आप लंबा मैथड भी कहने कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट आ वो बच्चे इदा के मैथड के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आप कहोंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 ओरेंजेस जोड़ा आना दिता होया वो सानू 10 रुपये दिता होया। सो उहदे तो यूनिटरी मैथड दे विच की है कि असी पहले एक संतरे का जिहड़ा प्राइस आ उहनू कैलकुलेट करांगे फिर उहनू आपां देखांगे कि उहदा सैलिंग प्राइस किन्ना आ रहा है कॉस्ट प्राइस किन्ना आ रहा है। जे तो एक संतरे का सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नालों ज़्यादा आ रहा है फिर उहनू प्रॉफिट होएगा। जे एक संतरे का जिहड़ा सैलिंग प्राइस आ उह कॉस्ट प्राइस तो वध आ रहा है घट आ रहा है फिर उन्हों लॉस होएगा। सो ये आप कैलकुलेट किया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ जिहड़ा एक संतरे का वह कि आ रहा है दैट इज़ 10/11 विच इज़ 0.909। ठीक है ना। सो इस तरह ही आप सैलिंग प्राइस में कैलकुलेट किया सैलिंग प्राइस ऑफ 10 ओरेंजेस जिहड़ा सानू दिता होया वह 11 रुपये है एक संतरे का प्राइस किन्ना होएगा 11/10। ठीक है ना। सो दैट इज़ 11.1 रुपीज। हूँ वो की कह रहा है कि एक संतरा जिहड़ा वह वेच रहा है 1.1 रुपीज का वेच रहा है जबकि उन्हें खरीदया किन्ने का सी 0.909 का। सो ये तो सानू पता लग गया कि सैलिंग प्राइस जिहड़ा है इट इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस। सो यदा मतलब उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। सो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के माइन करके आप सू एक संतरे पिछे उन्होंने कितना प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ 0.191 का प्रॉफिट हो रहा है। हुण जे सानू पता है कि जे सानू प्रॉफिट पता लग गया कॉस्ट प्राइस सानू पता है तो असी जिहड़ा आ उहदी प्रॉफिट परसेंटेज जिहड़ी आ उह फार्मूले दे विच पुट करके कढ सकदे आ। सो ये फार्मूले दे विच आपां पहली वीडियो दे विच डिस्कशन पूरी डिटेल दे विच गल कीती सी। सो किन्ना प्रॉफिट हो रहा है उहनू इस ट्रांजैक्शन दे विच सो उहनू 21% जिहड़ा आ प्रॉफिट हो रहा है। हुण तुसीं देखिया होणा कि इदां दी जिहड़ी कैलकुलेशन जदों आपां एक ओरेंजेस दी कढदे आ सो उहदे विच कुछ टर्म्स जिहड़ियां साडियां फ्रैक्शन दे विच आ रहियां आ। ठीक है ना। सो कंपीटिशन एग्जाम दे विच जे आपां उहनां नूं फ्रैक्शनस दे विच लिआउण दे लग पए ते साडे कोल जिहड़ा आ कई बार काफ़ी रकम वड्डी हुंदी आ ते फ्रैक्शन दे विच आंदे आंदे काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है ना। सो हुण इहनूं आपां जे एलसीएम मैथड दे नाल कैलकुलेट करिए ते थोड़े जे घट समें दे विच आपां इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। हुण इहदे विच असीं की देखना आ कि इधर सानू 11 संतरे जिहड़े आ उहदा कॉस्ट प्राइस दिता आ इधर सानू 10 संतरियां दा कॉस्ट प्राइस दिता है। सो असी दोवां दा जिहड़ा एलसीएम कैलकुलेट कर लेना। सो एलसीएम 11 ते 10 दा जिहड़ा एलसीएम आ जिहनूं आपां लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह दिंदे आ उह किन्ना आ जाएगा सो दैट इज़ इक्वल टू 110। सो इहदे विच आपां की करांगे कि आपां 110 संतरियां दे विच जिहड़ी अपनी ट्रांजैक्शन आ उहनूं जे कर लईए कि जे कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 संतरियां दा कढ लईए सैलिंग प्राइस ऑफ 110 संतरियां दा कढ लईए ते फिर जिहड़ी आपां इस सवाल नूं ईजली हल कर सकते हैं। हुण इहदे विच तुसीं देखो कि आपां कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ओरेंजेस कढ लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 ओरेंजेस दा किन्ना आएगा दैट इज़ ₹100। ठीक है ना। सीधा सीधा आ जाएगा। सो इस तरह ही सानू 10 संतरियां दा जिहड़ा सैलिंग प्राइस आ 11 रुपये दिता होया तो 110 दा किन्ना होएगा 11 गुणा 11 दैट इज़ इक्वल टू
121। सो ये साढ़े कोल की आ कि 110 संतरियां दा सैलिंग प्राइस आ रहा 121 रुपये, कॉस्ट प्राइस उन्होंने किन्ने पई 110 संतरियां दी 100 रुपये। सो वो सानू सीधा सीधा पता लग गया कि उन्होंने किन्ना प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो जे आप इन प्रॉफिट परसेंटेज के कढ़ांगे सो 21 वटा 100 गुणा 100 साढ़े कोल जिहड़ा आ 21%। सो इदां दी जिहड़ी कैलकुलेशन आ उहदे विच साढ़े कोल आपां फ्रैक्शन नूं जिहड़ा आ नगलैक्ट कर सकते हैं कि जे आपां दो टर्म्स जिहड़ियां थिंग्स दित्तियां होईयां, कुछ संतरे हो सकते, चेयरस हो सकदियां, ठीक है ना, कोई भी आर्टिकल जिहड़ा आ उह शॉपकीपर सैल कर रहा है। सो उहदे विच जे आपां दोवां थिंग्स दा एलसीएम कढ लईए तां आपां जिहड़ा आ इदां दे सवाल नूं थोड़ा जिहा घट समें च कढ सकते हैं। बट एक हुण मैं तुहानूं इदां दे क्वेश्चन सोल्व करन दे लई ट्रिक दसन जा रहा हाँ। सो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड के तुसी इदां दे जिहड़े क्वेश्चन आ उहनूं ईजली सोल्व कर सकते हैं हुण। सो ये वाला जिहड़ा ट्रिका तुसी कंपीटिशन एग्जाम दे विच यूज़ करना है इन ऑर्डर टू सेव टाइम। जे तुसी अपने रैगूलर 10th क्लासिस दे विच जिवें इदां दे क्वेश्चन आते हैं, जे तुसी शॉर्टकट अपनाओगे तो तुहाडे जिहड़े नंबर कट्टे जा सकते हैं। सो इट्स बैटर टू यूज़ दिस कंपीटिशन, यूज़ दिस ट्रिक फॉर कंपीटिशन एग्जाम परपजिज। हुण इत्थे मैं की लिखा होया आ, फस्ट ट्रांजैक्शन दे विच ओरेंजेस किन्ने आ साडे, दैट इज 11, ठीक है ना। किन्ने रुपीज़ आ इत्थे दिते हुए, 10। दूसरी दे विच 10 ओरेंजेस आ, किन्ने रुपीज़ आ इत्थे, मैं पेन दूसरा वरत लैना, रुपीज़ हैगे 11। हुण मैं इन्हां नूं जिस तरह आपां मैट्रिक्स जां डिटरमीनेंट सोल्व करदे हाँ, सो उहदे विच की है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दाँगा, 11 × 11 माइनस 10 × 10 डिवाइडेड बाय ਇਹ वाली जिहड़ी टर्म है इहनूं आपां डिनोमीनेटर दे विच लिख लैणा, 10 × 10 100 आ गया। परसेंटेज दे विच जे कढ़ना है तो मल्टीप्लाई आपां उहनूं 100 दे नाल कर दाँगे। सो इहदे विच की आ गया, 11 × 11 121 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 × 100, सो दैट इज़ इक्वल टू 21/100 × 100। सो 100 × 100 कैंसल हो गए, सो सीधा सीधा जिहड़ा साडे कोल इत्थे किन्ना प्रॉफिट आ रहा है, 21% आ रहा है। सो तुसी फ्रैक्शन ऑफ सैकेंड दे विच तुसी जिहड़ा आ एक क्वेश्चन नूं हल कर सकते हैं। हुण इहदे एक गल दा तुसी ध्यान देना कि जे ते साडे कोल इत्थे आंसर प्लस दे विच आ रहा है फिर उह साडा की आ प्रॉफिट है, जे आंसर माइनस दे विच आ रहा है 19% जिहड़ा आ सानूं लॉस हो रहा है। सो इदां दा एक क्वेश्चन आपां होर सोल्व करते हैं। हुण दूसरा क्वेश्चन की कह रहा है, ए मैन परचेस्ड 9x इन 16 रुपीस एंड सेल इट एट ए ऑफर ऑफ 11x इन 20 रुपीस, ठीक है ना, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही हैज़ रिसीव्ड। हुण जे आपां अपने ट्रडिशनल मैथड यूनिटरी मैथड के नाल उहनूं कढ़ांगे, असीं पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 1x कढ़ांगे, फिर सैलिंग प्राइस ऑफ 1x कढ़ांगे, उहदे च फिर आपां उहनां नूं माइनस करके उहदा प्रॉफिट कढ़ांगे, फिर उस तो बाद असी जिहड़ा उहदा प्रॉफिट जां लॉस परसेंटेज कढ़ांगे। सो इहदे लई सानूं ज़्यादा टाइम लग जांदा है। हुण जे आपां अपने ट्रिक दे नाल इदां दा क्वेश्चन हल करिए, सो इहदे विच की आ कि सानूं इत्थे की दित्ता होया है थिंग्स, इत्थे आपां एग्ज लिख लाँगे, इत्थे साडे कोल किन्ने रुपीज़ दा उह लिख लाँगे। सो पहले विच की हो रहा है, 9 एग जिहड़े आ उह 16 रुपीज़ दे विच खरीदे उहने, फिर उहने की किया 11 एग जिहड़े आ 20 रुपीज़ दे विच वेच दिते। हुण इहनूं मैं देखो 20 × 9 दैट इज़ 180 माइनस 11 × 16 दैट इज़ इक्वल टू 16 × 160 176 डिवाइड आपां कर दाँगे, जिस तरह मैं तुहानूं कहा कि जिहड़ी टर्म इत्थे आ रही है उहनूं आपां डिनोमीनेटर दे विच लिख लैणा मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 4/176 × 100। हुण मैं जे इहनूं कटदा हाँ, 4 × 16 = 1 आ गया, फिर 16 × 4 = 16, सो 100/44। सो जिहनूं मैं फ्रैक्शन दे विच लिखदा हाँ तो साडे कोल किन्ना आ रहा है, 44 × 88 ते 12, 2 सही 12/44, ठीक है ना। हुण इहनूं फिर जे मैं कट दिना, 4 × 3 = 12, 4 × 11 =
ग्यारह चौक 44। सो साढ़े को आ रहा है, दैट इज़ 2 सही 3 वटा 11 जो परसेंटेज आदा सानू प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि साढ़े प्लस के टर्म जी आ रही है। सो सिमिलरली तुम इतने देख सकते हो कि 2 सही 3 बाई 11 परसेंट जोड़ा है वो साडा आंसर ये मैच कर रहा है। सो दिस इज़ आवर फस्ट ट्रिक कि जे इदा के क्वेश्चन आ रहे हैं जिद नंबर दिता होया कि इन चीज़ा उन्हें इन्ने च खरीदिया तो इन चीज़ा उन्हें इन्ने देच दियाँ तो पता करो कि किन्ने परसेंट प्रॉफिट होएगा या किन्ने परसेंट लॉस होएगा। सो तुसी ये वाले ट्रिक दे नाल जिहड़े आ कंपीटिशन एग्जाम दे विच क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हुण दूसरी तरह का जिहड़ा क्वेश्चन जिहड़े आ वो किस तरह के आ सकते आ, यह दूसरा ट्रिक जिहड़ा मैं तुहानूं दस्सण जा रहा है यह भी थोड़ा यूनीक है। हुण क्वेश्चन की कह रहा है, ए शॉपकीपर सफर्स ए लॉस ऑफ 25% आफ्टर सैलिंग 30 पेंसिल इन रूपीज 150। हुण वो की कह रहा है कि एक शॉपकीपर जिहड़ा आ वो 30 पेंसिल जिहड़ियां आ 150 रुपए दे विच विच जदों बेचदा आ ते उहनूं 25% दा घाटा पैंदा आ। हुण वो की कहिंदा आ कि एट वट प्राइस ही शुड सैल दीज 30 पेंसिल्स टू गैट ए प्रॉफिट ऑफ 120 प्रॉफिट ऑफ 20%। कि वह कहिंदा कि 30 पेंसिलों नूं किन्ने सैलिंग प्राइस दे उत्ते वेचे जां किन्ने रुपए दे विच वेचे कि उहनूं 20% दा जिहड़ा आ वाधा होए, ठीक है ना। सो अगेन जे तुसीं इहदा लई सानूं पहले की कढ़ना पएगा, सो इत्थे सानूं पहली ट्रांजैक्शन दा सैलिंग प्राइस दित्ता होया आ, इहदे तों असीं जिहड़ा आ कोस्ट प्राइस कढ़ांगे, फिर वो कोस्ट प्राइस नूं आपां अपने नवीं सैलिंग प्राइस दे विच पुट करके उहदा नवां सैलिंग प्राइस कढ़ांगे, ठीक है ना। सो इहदे लई थोड़ा जिहा इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो फॉर एग्जाम्पल मैं दस दिंदा हां कि किद्दां इह क्वेश्चन नूं जिहड़ा आ जनरली आपां हल करदे हां। सो सैलिंग प्राइस ऑफ वन पेंसिल किन्ना आएगा, 150 वटा 30 दैट इज़ इक्वल टू 5 रुपये एक पेंसिल का प्राइस आ रहा है, बट उन्हूं किन्ना घाटा पै रहा है, ये 25% का घाटा पै रहा है, ठीक है ना। सो 25% के घाटे के नाल आप जिहड़ा कोस्ट प्राइस कढ़ लाँगे। यह वाला फार्मूला तुहानूं मैं पहले ही अपने लैक्चर के दसिया सी। सो 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कोस्ट प्राइस। सो कोस्ट प्राइस जिहड़ा आ वो साडा किन्ना आ रहा है पेंसिल का, कि वह आदमी नूं जिहड़ी पेंसिल आ वो 6.67 रुपीज़ की जी पई है तो वेच वो किन्ने की रहा है 5 रुपए की, ठीक है ना। सो ये सानू पता लग गया कि उन्होंने 25% का जोड़ा घाटा पै रहा है। हूँ असी की है वो कहता किन्ने देचे हो कि 20% का लाभ होए। सो सानू कोस्ट प्राइस पता लग गया, हूँ असी नवा सैलिंग प्राइस कढ़ लाँगे एक पेंसिल का, वह किन्ना आएगा 20% प्रॉफिट के उत्ते। फिर आप यही फार्मूला यूज़ करा 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कोस्ट प्राइस। सो वो की कह रहा है, सो वो सा नवा सैलिंग प्राइस की आ रहा है कि जे वह पेंसिल 8 रुपए की वेचे तो उन्होंने जोड़ा आ 20% प्रॉफिट होएगा। हूँ किनिया पेंसिल वो वेच रहा है, 30 पेंसिल वेच रहा है। सो यदा मतलब की है कि एक पेंसिल का जोड़ा सैलिंग प्राइस आ 8 रुपये तो 30 पेंसिल का सैलिंग प्राइस जोड़ा आ वो किन्ना होएगा 240 रुपये। सो कह मतलब की है कि जे वह 30 पेंसिल यानी कि 240 रुपए देचे तो फिर जिहड़ा आ वो 20% का जिहड़ा मुनाफा कमा सकता है, ठीक है ना। बट इदां दे जिहड़े क्वेश्चनस हैगे आ उहनां नूं आपां एक शॉर्टकट के थ्रू कंपीटिशन एग्जाम दे विच ओह फार्मूला यूज़ करके उहनां नूं ईजली कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण इह वाला जिहड़ा फार्मूला आ तुसीं इहनां नूं इस नूं थोड़ा ध्यान दे नाल देख लो, इहनूं थोड़ा रिमैंबर कर लो। सो उपर की दित्ता होया है, रूपीज़ ओवर थिंग्स मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हुण फॉर एग्जाम्पल वो की कह रहा है कि किन्ने दे विच उन्हें वेचियां 150 रुपए दे विच। सो मैं इत्थे 150 लिख लाँगा डिवाइडेड बाय थिंग्स किन्नियां जिहड़ियां चीज़ां किन्ने आर्टिकल उन्हें वेचे आ 30 पेंसिलां वेचियां, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय किन्ने प्रॉफिट जां लॉस दे वेचे आ उन्हें लॉस दे उत्ते वेचे आ। सो यानी कि इत्थे 100 चों आपां 25 घटावांगे तो साढ़े कोल किन्ना आ जाएगा, दैट इज़ 75। सो ये वाला थोड़ा स्टैप है, इनू ध्यान दे नाल लिखना है। सो इनू आपां 100 चो माइनस या प्लस करके लिखना है। सो इत्थे 25% लॉस दिता होया है, सो इहदा मतलब की है कि लॉस दे लई असीं माइनस साइन यूज़ करते हैं। सो 100 माइनस 25 दैट इज़ इक्वल टू 75। दूसरे पासे आपां की कढ़ना है, असीं उहदा सैलिंग प्राइस कढ़ना है, रूपीज़ असीं उहदी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किन्नियां पेंसिलां फिर वेच रहा वो 30 वेच रहा है, किन्ने मुनाफे दे वेच रहा हूँ 20% प्रॉफिट दे उत्ते। हूँ ये प्रॉफिट है तो इतने आप प्लस यूज़ करांगे, 100 प्लस 20 दैट इज़ इक्वल टू 120। हूँ इनू तुसी हल कर लो,
ਨੂੰ 150 ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਾਲ ਵੱਟਣੇ ਗਏ, 30 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ 30 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 120 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 2 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 240 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਉਹ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਾਈ ਸੈਲਿੰਗ 45 ਲੈਮਨਸ ਫਾਰ ਰੁਪੀਜ਼ 40 ਏ ਮੈਨ ਲੂਜ਼ਿਸ 20%। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 45 ਲੈਮਨਸ ਨੂੰ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹਾਉ ਮੈਨੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੀ ਸੈਲ ਫਾਰ ਰੁਪੀਜ਼ 24 ਟੂ ਗੇਨ 20% ਇਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 24 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੁਪੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, 40 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਥਿੰਗਸ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਮਨ ਆ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ 45, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 20% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਮਾਈਨਸ 20 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਉ ਮੈਨੀ ਲੈਮਨਸ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਲੈਮਨਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, 24 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ, 20%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਪਲੱਸ 20 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 120। ਅਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ 80 ਦੇ ਨਾਲ 40 ਗੁਣਾ 80, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 1/90 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 24 ਨੂੰ 120 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 5 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, 5N। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਐਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90/5, 1650/90। ਸੋ ਐਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਚੇਗਾ, ਸੋ 16 ਜਿਹੜੇ ਲੈਮਨ ਆ ਉਹ ਜੇ 24 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ 20% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਥਰਡ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਚੇਅਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 9 ਚੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ 10 ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਫ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਫ 1 ਚੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਲੈਟ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਫ 10 ਚੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਰੁਪੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਐਕਸ ਵਟਾ 10। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9 ਚੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 1 ਚੇਅਰ ਆ ਉਹ ਐਕਸ ਵਟਾ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਓਵਰ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 100। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ 100/9, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 11.11% ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਸੀ ਐਮ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਆ
इधर 9 कुर्सियां आ, 10 ते 9 दा जिहड़ा एलसीएम आ वह 90 आएगा। सो तुसी 90 चेयरस की जिहड़ी आ वह ट्रांजैक्शन करके देख लो कि एक चेयर का मुल जिहड़ा एक्स वटा 10 है, ठीक है ना, 90 का किन्ना होएगा, ठीक है, उहदे तो तुसी जिहड़ा आ वह करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो हुण शॉर्टकट जिहड़ा आपां इहदे लई गल करन जा रहे हैं, शॉर्टकट की हो सकता है। हुण शॉर्टकट तुसी देखो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर जिहड़ा आ दैट इज़ इक्वल टू सैलिंग प्राइस ऑफ 9 चेयरस, ठीक है ना। हुण तुसी जदों कॉस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस जिहड़ा आ सानूं कुछ नंबर दे लई उहदी वैल्यू बराबर दित्ती होए, ठीक है ना, कंडीशन की होनी चाहीदी आ कि कुछ जिहड़ियां आर्टिकल्स आ उहदा कॉस्ट प्राइस कुछ आर्टिकल्स दे सैलिंग प्राइस दे बराबर आ, तो उहदा तुसी नंबर सीधा सीधा उहनूं क्रॉस करके लिख लेना। सो फॉर एग्जाम्पल इत्थे मैं की लिख लाँगा, 9 जिहड़ा आ इधर आ जाएगा, 10 जिहड़ा आ उह इधर चल जाएगा। सो इहदा मतलब की आ कि वह जिहड़ा आर्टिकल आ उहदा कॉस्ट प्राइस किन्ना होएगा 9, तो वह जिहड़ा आर्टिकल आ उहदा सैलिंग प्राइस किन्ना होएगा 10 होएगा, ठीक है ना। सो इत्थे ओबियसली सैलिंग प्राइस जिहड़ा वध आ, सो सैलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, सो इहदे च सानूं की प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। सो आपां प्रॉफिट परसेंटेज सीधी सीधी कढ लाँगे। सो सैलिंग प्राइस किन्ना है 10, कॉस्ट प्राइस किन्ना है 9, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो सेम टर्म जिहड़ी तुहाडे कोल इन्हां कैलकुलेशनस करन तो बाद आ रही है उही टर्म जिहड़ी आ तुहाडे कोल ईजली आ रही है, ठीक है ना। सो 100 बाय 9 परसेंट जिहड़ा आ उह तुहाडा सीधा सीधा जिहड़ा प्रॉफिट आ तुसी इस ट्रिक दे थ्रू ईजली जिहड़ा आ इहनूं इदां दे क्वेश्चनस नूं कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आओ इदां दा इक क्वेश्चन होर कढ़ीए। हुण ओह की कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयरस इज़ इक्वल टू सैलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयरस, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, ठीक है ना। हुण सानू की दिता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयरस दैट इज़ इक्वल टू सैलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयरस। हुण सीधा सीधा मैं लिख लाँगा, इधर 16 आ जाएगा, ऐ इधर 10 चल जाएगा। सो 16 रुपए की जिहड़ी आ उहनूं चीज़ उह पै रही आ, वेच किन्ने दी रहा उह 10 रुपए की, ठीक है ना। सो इत्थे सैलिंग प्राइस जिहड़ा आ उह घट आ, इहदा मतलब उहनूं की आ घाटा पै रहा इस ट्रांजैक्शन दे विच। सो किन्ना घाटा पै रहा आ उह आपां कढ लैंदे आ। सो 10 माइनस 16 वटा 16 गुणा 100, सो दैट इज़ इक्वल टू माइनस 6 बाय 16 इंटू 100। सो इहनूं तुसीं 2 दे नाल तोड़ लो, 2 3 6 2 8 16, सो दैट इज़ इक्वल टू 300 ओवर 8 विद माइनस साइन। माइनस साइन की रिप्रजेंट कर रहा है, सो दैट इज़ इक्वल टू लॉस। सो 300 वटा 8 जिहड़ा आ उहनूं आपां जदों सॉल्व करांगे, सो इट इज़ 37.5% जिहड़ा आ उह उहनूं लॉस हो रहा है। सो साडा करैक्ट आंसर की है, 37.5% जिहड़ा आ उहनूं लॉस हो रहा है, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸਰ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਕੋ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 3rd ਪਾਰਟ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ, ਬਾਏ।